ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको सैनिकों द्वारा यूज किया जाने वाला खुफिया मोर्चा। ये देखिए ये जो मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखने में ये भी बहुत सिंपल आपको लग रही है, बट ये सिंपल है नहीं, इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है। ये जो आप छोटे छोटे से खांचे देख रहे हैं दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट घरौंदा के अंदर। यहां हम देखेंगे दोस्तों गेटवे ऑफ मुगल सराय। ये कम लोगों ने सुना होगा कि गेटवे ऑफ मुगल सराय, ये सराय मुगलों के टाइम पे यूज़ की जाती थी जहां पे लोग आके रुकते थे, और इस सराय के साथ दोस्तों बहुत ही एक दर्दनाक इतिहास जुड़ा हुआ है। तो आज मैं आपको ये सराय दिखाऊंगा भी और इसके इतिहास को हम जानने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों बने रहना। एक ओवरलुक लीजिए ये सराय का, मैं इसका आपको हिस्ट्री बताऊंगा। दोस्तों पहले आप एक बार इसकी अंदर से ब्यूटी देखिए, बहुत सुंदर तरीके से इस सराय, इस गेस्ट हाउस को बनाया गया था, और ये बहुत ही एक बड़ी सराय है। सो अभी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। ये मेनली बनाई गई थी उस टाइम पे जो मुसाफिर थे यहाँ पे आने जाने के लिए, एक रुकने का स्थान था जहाँ पे लोग रेस्ट करते थे और आगे बढ़ जाते थे। मीनार की कॉर्नर से मैं आपको सुंदरता दिखा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत, और यही स्ट्रक्चर जो है इसकी सराय के चारों तरफ देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों इस सराय का निर्माण हुआ था 1637 ईस्वी में, फिरोज खान ने इसका निर्माण करवाया था। उस टाइम पे जो इंडिया पे यहाँ पे शासन था वो शाहजहाँ का शासन हुआ करता था, और शाहजहाँ के शासन पे इस सराय का निर्माण किया गया था। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये एक बहुत मोटा लकड़ी का गेट, ये कभी मेन गेट हुआ था, इस जो इस पूरी सराय का मेन गेट हुआ करता था, तो इसका छोटा सा पार्ट ही आज हमको दिखने के लिए मिल रहा है। बहुत मोटी लकड़ी है और बहुत ऊपर की लगा हुआ है, मतलब कहने का है कि बहुत मजबूत है। आज सोइयों सालों से ये लकड़ी आज भी काफ़ी मजबूत है। इस छोटा सा नमूना है कि उस टाइम पे कितने सॉलिड ये एक किला नुमा पूरी की पूरी ये सराय हुआ करती थी। आप एक बार ये वहाँ पे इसका हिस्सा देखिए, ये पूरा का पूरा ब्रेक हुआ पड़ा है, ऐसा लग रहा है इसको पूरा ध्वस्त हो रखा है। इसका भी आपको मैं रीज़न बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप इसमें देखिए ये इस्तेमाल की गई जो कारीगरी आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं ब्रिक्स देख रहे हैं, पतली पतली ब्रिक्स, इनको बोलते हैं दोस्तों लखोरी ईंटें। ये जो लखोरी ईंटें हैं कहते हैं मुगल टाइम पे इनका बहुत प्रचलन था, और अगर आपने मेरे कुछ ब्लॉग्स देखे हैं जिसमें हम मैंने आपको मोनूमेंट्स दिखाए हैं, वो प्रॉपर जो है इन लखोरी ईंटों का ही प्रयोग किया गया था। उस टाइम पे जो इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री नहीं थी, एक ही कंट्री होती थी, और लाहौर इसका मेन पॉइंट हुआ करता था जहाँ पे ये लखोरी ईंटें का प्रोडक्शन होता था। और दोस्तों लखोरी का भी आपको मैं मतलब बता देता हूँ, लखोरी ईंटें इसलिए इसका नाम रखा गया था क्योंकि ये जो ईंटों का सेल होता था वो 1 लाख के हिसाब से होता था, तो 1 लाख ईंटों के हिसाब से जब सेल होता था तब से इसका नाम लखोरी ईंटें पड़ गया। सो लखोरी ईंटें जो है अपने में बहुत बारीक होती थी, इसमें आर्क बहुत अच्छी बनती थी, इसलिए आप मुगल टाइम पे जितने भी मोनूमेंट देखें, इवन मैं आपको एक बात बताऊँ, ताजमहल का पूरा निर्माण वो इन लखोरी ईंटों से किया गया है, उसके ऊपर पूरा मार्बल लगाया गया। तो आप देखिए इस लखोरी ईंटों की, आपको मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन इसलिए बताई कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुगल टाइम के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई। तो ये सराय का बाहर से आप एक बार मैं आपको हिस्सा दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा पूरी सराय बिल्कुल यहाँ से टूटी हुई है, पूरा यहाँ से फ्लोर जो है डैमेज है। ये रीज़न इसका दोस्तों ये रहा कि 1557 में जब फ्रीडम फाइटर उस समय अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए इस सराय में आके रुके थे, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बहुत गोलाबारी करी और ये पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। सो ये इसका आज भी सबूत देखा जा सकता है कि ये उस टाइम पे हुआ हुआ ध्वस्त आज भी अपनी उसी शेप में ही रखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों नीचे, ये पूरा दोबारा से इसको थोड़ा सा ठीक किया गया, अदरवाइज़ तो ये पूरा ही जो स्ट्रक्चर है वो गिर गया होता। तो आप ये देखिए, ये सामने आपको एक मीनार भी दिख रही है और उसके अंदर आपको होल दिख रहे हैं। अभी मैं दोस्तों ये इस पर फ्लोर 4-5 हुआ करते थे, जो आज की डेट में 2-3 फ्लोर ही रह गए हैं। मैं अभी आपको ऊपर लेकर चलता हूँ और ऊपर से आपको इसका नज़ारा दिखाता हूँ और इसकी खासियत आपको बताऊँ।
रास्ता ऊपर लेके जाएगा हमें, ऊपर का आपको फ्लोर दिखाता हूँ जहाँ से हमें इसके और बारीकी से जानने के लिए मिलेगा। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे आते ही ये देखिए, यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। छोटे छोटे से रूम बने हुए हैं और इसमें ये एक झरोखे बने हुए हैं। यही सराय का फर्स्ट फ्लोर है। अब ये देखिए, यहाँ से मैं अंदर लेके जा रहा हूँ आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ का स्ट्रक्चर और जो यहाँ की बनावट है। सराय है ये अपने आप में बहुत बड़ी सराय हुआ करती थी। इसके दो गेट हुआ करते थे, एक लाहौरी गेट के नाम से और एक दिल्ली गेट। जहाँ हम खड़े हैं लाहौरी गेट, क्योंकि इसका माउथ जो है वो लाहौर की तरफ होता था, और दूसरा यहाँ से 100 मीटर दूर है जो दिल्ली की तरफ गेट है, तो इसलिए दिल्ली उसको गेट बोला करते थे। और ये पूरी दोनों की दोनों अपने आप में मिली हुई थी और इनके बीच में से एक रास्ता जाता था, और इसके चारों तरफ दोस्तों जंगल हुआ करता था, और ये अपने आप में एक किले की तरह बनाई गई थी, क्योंकि इसमें मोर्चा भी लगता था। जो सैनिक यहाँ पे रहते थे वो बाहर युद्ध के लिए भी इस चीज को यूज करते थे। मैं आपको इसका एक एविडेंस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखने में ये भी बहुत सिंपल आपको लग रही है, बट ये सिंपल है नहीं, इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है। ये जो आप छोटे छोटे से खांचे देख रहे हैं, ये खांचे यूज होते थे उस टाइम पे इसकी रक्षा के लिए। ये पूरी एक मीनार है दोस्तों, और ये जो खांचे बनाए गए थे इस तरीके से, इसकी शेप का आर्किटेक्ट किया गया था कि जब भी यहाँ से आप वार करोगे तो डेफिनेटली आप जो है अप्रोच कर पाओगे दुश्मन को, बट बाहर से अगर कोई भी आपके ऊपर वार करता है, कोई गोली या कोई तीर अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसकी बाहर से आर्किटेक्ट ऐसा बनाया गया था। सो यही स्ट्रक्चर आपको ऊपर तक देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों इसके सेकेंड फ्लोर पे। तो ये इस समय मैं ले आया हूँ आपके इसके सेकंड फ्लोर पे। यहाँ से आप नज़ारा देखिए, बहुत खूबसूरत सा लुक है दोस्तों। ये देखिए, बहुत प्यारी सी आर्क बनी हुई है, और यहाँ से बताऊँ ये छोटे छोटे से रूम, और ये इसका डिज़ाइन यहाँ से एक बार देखिए आप, सारा इसका डिज़ाइन आपको बहुत क्लियर दिखेगा। और दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आप देखिए चारों तरफ ये अभी रेजिडेंशियल कॉलोनी से पूरा का पूरा घिरा हुआ ये एरिया है। मैं आपको ये भी बताता हूँ, इसके साथ भी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात जुड़ी हुई है। ये वो सबूत अंग्रेजों द्वारा चलाए गए यहाँ पे जो गोले थे बरसाए गए, तो ये पूरा ध्वस्त हो गया। ये देखिए, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने आपको दिखा रहा हूँ मैं दिल्ली गेट, जिसका फेस जो है वो दिल्ली की तरफ हुआ करता था, इसलिए दिल्ली गेट बोलते हैं। और ये बीच का आप रास्ता अगर आप देख पा रहे हो तो ये पूरी एक पतली सी सड़क जा रही है, जिसके दोनों तरफ पूरा कॉलोनी बस गई है अब। बट एक टाइम था यहाँ पे कोई कॉलोनी नहीं थी, ये पूरा का पूरा एक सराय का बड़ा रूप हुआ करता था। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है लाहौरी गेट, और सामने आपको दिख रहा है दिल्ली गेट। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता होगा, क्योंकि इसको कुछ लोग यहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं किला भी मानते हैं। तो क्योंकि किला इसलिए कि बहुत बड़ा अपने आप में ये जो है जगह है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सेम नीचे जैसा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी इसी तरीके से ये यूज़ किया जाता था उस टाइम पे प्रोटेक्शन के लिए इस सराय की। सराय के साथ एक अच्छी जुड़ी हुई चीज़ आपको और बताता हूँ कि यहाँ पे ASI जो है पुरातत्व विभाग पूरा इसका ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर देखो ये सारा अभी लेटेस्ट काम हुआ है। मीन्स अदरवाइज अगर इसकी देख रेख ना की जाए तो ये पूरा ध्वस्त ही हो जाए। सो यहाँ पे गार्ड भी है जिनकी ड्यूटी यहाँ पे रहती है, और पूरा इसका ध्यान रखते हैं वो यहाँ पे। ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये इसकी क्लोज स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ जो रिपेयरिंग किया गया, और ये जो नेट देख रहे हैं ये भी बाद में लगाई, अदरवाइज ये सारा ओपन विंडो हुआ करती थी। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको सैनिकों द्वारा यूज़ किया जाने वाला खुफिया मोर्चा, जहाँ से कोई भी दुश्मन बच के नहीं निकल पाता था, यहाँ से जब वार किया जाता था। तो दोस्तों एक ये लाहौरी गेट जो बनाया हुआ है, और सामने दिल्ली गेट जो मैं आपको सराय दिखा रहा था, ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है आमने सामने। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बहुत जो बात जुड़ी हुई है मैं बता रहा हूँ आपको, कि ये एक मामा भांजा हुआ करते थे उस टाइम पे, जिनके द्वारा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया था। और कहते हैं कि उस टाइम पे जो है इन्होंने एक दूसरे को देखे बगैर ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया था। जब बन के तैयार हुआ तो दोनों का जो स्टाइल था, तरीका था, बिल्कुल सेम।
सो ये कहाँ तक सच्चाई है आई डोंट नो, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा इसका एक बार स्ट्रक्चर देखिए। और इसके साथ जो दर्दनाक घटना जुड़ी हुई है वो सबसे बड़ी यही है कि जब 1857 में रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे बहुत जो क्रांतिकारी लीडर थे, एक भयानक युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ, उसके बाद वो इस सराय में आके रुक गए और इस सराय को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया और मैंने जो आपको भी दिखाया है पूरे बम बरसाए और इसको ध्वस्त कर दिया। उस टाइम पे काफ़ी फ्रीडम फाइटर जो है हमारे मारे गए थे इस सराय के अंदर। सो ये इसको एक यादगार के तरीके से देखा जा सकता है कि ये जो सराय है अपना इतिहास के साथ साथ बहुत सारी हमको चीज़ें बयान करती है। और दोस्तों यहाँ पे एक मैं सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, आपको मैं बाहर की तरफ दिखाऊँ तो बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेशनल हाईवे बिल्कुल ये हाईवे के साथ ही लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये जगह विजिट करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ये जो अभी मैंने आपको चीज़ दिखाई है थोड़ा सा एक सीक्रेट प्लेस ही बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कम ही लोगों को पता है इसका इतिहास के बारे में। जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को भी बहुत कम नॉलेज है कि ये जो किला बना हुआ है या सराय बनी हुई है, बट ये अपने आप में बहुत अपना इतिहास दबा के रखी हुई है क्योंकि इसकी पूरी बाउंड्री इस समय ASI ने बहुत अच्छे तरीके से करी है। दोस्तों आप मुझे बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा यहाँ घूम के आपको मेरे साथ, और ये जो जानकारी मैंने आपको दी आप मुझे शेयर करके बताना, मेरे आप कमेंट करना और मेरे चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया दोस्तों आप सब्सक्राइब करो, मैं इसी तरीके से घुमाता रहूँगा आपको नई नई डेस्टिनेशन।